हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू डे एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो यार, जैसे कि आखिरी बार हम लोग जो व्लॉग में मिले धुरली में झारा लावा गए थे, उसके बाद यार अब यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस जो हम लोग बस्तर में बोलेंगे, तो अगर आप जब भी आओगे यहाँ पर तो आपको जरूर सुनने मिलेगा कि यार ये टेम्पल जरूर आओ। तो हम लोग यार दंतेश्वरी टेम्पल आ चुके हैं, तो ये दंतेवाड़ा में है। तो जस्ट यार अभी मैं सुबह सुबह ही पहुँच गया हूँ, और जैसे कि जो हम लोग चैलेंज लिए थे और मैं बोला था कि यार 21 डेज मेरे कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैं कंटिन्यू करूँगा, तो वो जल्दी सुबह उठ गए थे। तो मेरे घर से ये कुछ 2 घंटे की दूरी पे पड़ता है। तो अभी यार कुछ बज रहा है, 8 बज रहा है, तो हम लोग 8 बजे यार यहाँ सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, और यहाँ बस कोई भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो यार हम लोग दंतेश्वरी टेम्पल आए दंतेवाड़ा में। तो यार टेम्पल को मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टेम्पल का। तो जस्ट हम लोग अभी चलते हैं अंदर और जाके दर्शन करते हैं, एकदम खाली है, तो चलो चलते हैं और अंदर चल के दर्शन करते हैं। तो हे एवरीवन, जैसे कि अभी हम लोग जस्ट टेम्पल के अंदर थे, और दंतेश्वरी देवी का दर्शन करने के बाद हम लोग फिर सेकंड गए थे भुवनेश्वरी देवी का दर्शन करने के लिए। अब जस्ट दंतेश्वरी, ये हमारा टेम्पल है दंतेश्वरी टेम्पल, ये हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो जस्ट इस टेम्पल के जस्ट ये पीछे अगर देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ पर से देखो छोटा सा यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पर ये बना हुआ है ना, ये जो मूर्ति बना हुआ है, तो इनका एक ये स्पेसिफिक खासियत ये है कि यहाँ पर जब बच्चे लोगों का पहला मुंडन होता है, मतलब पूरा ऐसा बाल निकालते हैं ना, तो ये यहाँ होता है। और अगर मान लो कोई सेक्रीफाइस देना रहता है या फिर जो बलि वली देना रहता है जो भी, तो वो भी इन्हीं के यहीं पास होता है। तो यार सबसे मेरा भी यहीं पास ही हुआ था, जो हम लोग जो फर्स्ट मुंडन कराते हैं जो हम लोग का होता है, तो इसी टेम्पल में मेरा हुआ है दंतेश्वरी टेम्पल। तो जस्ट अभी दो देवी का दर्शन करने के बाद हम लोग अभी पुल पार करके जाएंगे। पुल पार करने के बाद दो नदी है, शंखनी और डंखनी, तो वो दोनों का संगम है वहाँ पर। दोनों डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन वहाँ पर संगम है दोनों का। फिर उसके बाद जब हम लोग ब्रिज पार कर लेंगे, उसके बाद यार हम लोग भैरव टेम्पल जा रहे हैं। तो वो भैरव टेम्पल है, तो वो यहाँ के प्रोटेक्टर है, जो भी पूरा टेम्पल का है वो वहाँ का प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग अभी बस वहाँ जाने वाले हैं। तो जस्ट दोनों टेम्पल कम्प्लीट हुआ, अब हम लोग वहाँ के लिए चलते हैं।
दे रहा हूँ ना। तो यार ये यहाँ का स्पेशल जैकफ्रूट ट्री है, यहाँ पर हमेशा इतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में फल रहता है और काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। अभी तो थोड़ा छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और हमेशा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में फला रहता है। तो जस्ट हम लोग चलते हैं यार भैरव टेम्पल के लिए। तो यार ये हम लोग का ब्रिज है, यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हो ना, अभी पानी कम हो गया क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो शंखनी डंखनी दो नदी का नाम है, यहाँ पर संगम होता है दोनों का। तो यार इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जस्ट यहाँ पर इतना ऊपर से तो अभी दिखेगा नहीं लेकिन दो अलग कलर का पानी रहता है, थोड़ा ब्राउन है मड कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का है। तो दोनों पानी यहाँ मिलता है तो आप क्लियरली देख सकते हो, जब आप पास से देखेंगे ना तो बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यार दोनों का संगम देख सकते हो। और इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ से संकनी डंकनी को करने देख के जस्ट एक पुल को क्रॉस करके जाएंगे, फिर वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर भैरव टेम्पल है। तो यार जस्ट अभी हम लोग भैरव टेम्पल पहुँच चुके हैं, तो जस्ट हम लोग अभी अंदर चलते जाने के लिए, तो मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। तो यार ये देखो हम लोग के यहाँ का ये बिल्वा लीव है, एक के ऊपर एक ऐसा करके उगता है। इसका पूरा एक पेड़ था यहाँ पर बहुत बड़ा सा, अभी एक नया पेड़ निकला सेम था छोटा सा। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अलग तरीके का है, हर जगह नहीं मिलता ये। तो ये बिल्वा लीव है जो शिवा में चढ़ाते हैं हम लोग। यार हो गया अभी दंतेश्वरी टेम्पल का भैरव बाबा सबका दर्शन हो गया, उसके बाद यार बस जो भी है यार यही था। और मेन यार आप वीडियो में अगर देखेंगे तो इतना कुछ नहीं होगा, जब यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ का एक्सपीरियंस करेंगे कि यार डिवाइन पावर क्या होता है तब आप लोगों को पता चलेगा। तो बस मैं एक टूर दे दिया आप लोगों को कि यार ये कैसा है और कैसा करके है। तो मैं यार जब भी मैं बस्तर आता हूँ, जब भी मैं अपने घर तरफ आता हूँ तो मैं ज़रूर ये करता हूँ, मतलब ज़रूर मैं यहाँ पर टेम्पल को विज़िट करने के लिए आता हूँ। जब भी मैं बस्तर आता हूँ ज़रूर इस टेम्पल को विज़िट करने के लिए आता हूँ। और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर ये छोटा सा एक शिव भगवान जैसा है पत्थर का, इसको तीन उंगली से उठाना रहता है। तो चलो यार ट्राई कर लेते हैं बस। तो यार दर्शन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, अब मैं दो चार दिन में यार यहाँ से निकलने वाला हूँ, फिर हम लोग ऐसे निकलने वाले हैं। तो जो भी था हम लोग का बस्तर का ट्रिप कुछ तो मैं इसमें कुछ बस्तर प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, तो आप वो सबको देख सकते हो। और जो भी हम लोग झरना वरना गए, मंदिर गए, सब बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जब भी मैं आता हूँ ज़रूर ये सब ट्राई करता हूँ। और यार बस जो हम लोग का बस्तर का ब्लॉग था बस यहीं तक था, अब इसके बाद हो सकता है कि एक आध ब्लॉग और डाल दूँ, और क्योंकि अभी एक दो दिन और हो तो घर के आसपास अगर कुछ होगा तो वो डाल दूंगा। और बाकी आप लोगों को जो भी बस्तर का देखना है कहाँ कहाँ जाना है तो इस प्लेलिस्ट से आप लोग देख के कर सकते हो। तो यार इतना सब वीडियो बनाया तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। तो चलो यार अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।